मैं बिग बॉस से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि वीआईपी बनने के लिए प्रतीक एंड तेजा के बीच जो मुकाबला वो अभी चल रहा है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा हाथों पाई होते हुए नज़र आ रही है और संचालक बार बार ये कह रहा है कि आप एक दूसरे की साइकिल तोड़ भी सकते हो। तभी प्रतीक तेजा का साइकिल तोड़ने के लिए जाता है तो तेजा उसको बहुत बुरे तरीके से धकेलती है जिसके कारण उसके फेस पर चोट लग जाती है और वहाँ पर बिग बॉस उस सीन को दिखाते नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रतीक के वहाँ पर डिज लगी होती है और प्रतीक बाद में काफ़ी सावधान होकर खेल रहा होता है। लेकिन जब लास्ट राउंड आता है तभी संचालक दोबारा कहती है कि आपने जो कुछ भी करना है इस राउंड में करना है, इसके बाद ये कार्य पूरा हो जाएगा। और वो कहती है कि अब तुम एक दूसरे का साइकिल तोड़ भी सकते हो। तभी प्रतीक दोबारा तेजा के पास जाता है लेकिन तेजा उसको बहुत ज़ोर से पीछे की ओर धकेलते हुए नज़र आती है, जिसको देखकर राखी कहती है कि प्रतीक जे तुम्हें बार बार धक्का दे रही है और तुम क्यों नहीं धक्का दे रहे, तुम भी धक्का दे दो और इसका काम यहाँ पर ख़राब कर दो। लेकिन जे सीन लाइव फीड में नहीं दिखाया गया है, ये तो हमें सिर्फ राखी की ही क्लिप दिखाई गई है और उनके बीच में काफ़ी हाथों पाई होते नज़र आ रही है। बाद में प्रतीक जे कहते हुए नज़र आया है कि मैं कभी भी इतना टास्क में हाथों पाई पर नहीं उतरता कितना आप लोग करते हैं, मैं मुझे पता है कि जो लड़की है मैं इसलिए इतना जोर नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर मेरी जगह पर कोई और भी होता, करण भी होता तो वो पूरा जोर लगा देता इस टास्क को रद्द करने के लिए, लेकिन मैं तब भी सावधान होकर खेल रहा हूँ। लेकिन तेजा तुम जो ना तुम बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हो और तुम बहुत ज़्यादा मुझको चोट देने की कोशिश कर रही हो, तो प्लीज़ तुम सावधान खेलो। और उसे बार बार कह रहा है कि तुम फेक हो, तुम नकली हो, तुम ड्रामा करती हो और प्रतीक बार बार अपना गुस्सा बातों से निकालता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि बिग बॉस इस जो धक्का मुक्की हुई है उनके बीच में उसका क्या निर्णय लेते हैं। उस उमर को तो इस धक्का मुक्की के कारण घर से बाहर कर दिया गया, लेकिन अब इस धक्का मुक्की को बिग बॉस कितना कब बढ़ावेगा और क्या करेगा वो तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। और आप क्या चाहते हैं ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।